दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहां से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएससी की नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। यहाँ दोस्तों जनवरी 2020 के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, कंडक्टर, स्टाफ नर्स, इंजीनियर और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। सभी के लिए यहाँ पर 1099 खाली पद है। 10वीं 12वीं और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एसएससी वैकेंसी 2020 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है। इसमें पोस्ट है स्टाफ नर्स, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोटाइपिस्ट, मार्केटिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर, ऑडिटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंडक्टर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, इंजीनियर, फील्ड असिस्टेंट, अकाउंट्स क्लर्क, इंस्ट्रक्टर और टेक्नीशियन की 1099 यहाँ पर खाली पद है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। सैली 5910 से 34800 तक अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और जो बाकी की जानकारी है वो आप नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। जनरल अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए ₹360 आवेदन शुल्क है। रिजर्व कैटेगरी जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए 360 है। जनरल ई एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड के लिए भी 360 है। SC ST OBC BPL वार्ड ऑफ ई एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए ₹120 है। ई एक्स सर्विसमैन नॉर्मल टेन्योर के लिए यहाँ पर या ब्लाइंड विजुअली इम्पायर्ड के लिए कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। डेट की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे। जहाँ दोस्तों 31 दिसंबर 2019 अप्लाई ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 जनवरी 2020 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो hpsssb.hp.gov.in ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहीं पर देख सकते हो उस पोर्टल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HP कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत भर्ती है। नोटिफिकेशन आपको 31 दिसंबर 2019 को यहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। जहां दोस्तों यहीं पर आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहां पर दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2019 को ये आपको डायरेक्टली यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप तभी से इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।